वेलकम स्टूडेंट्स, आप क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। नाउ वी हैव टू स्टार्ट न्यू टॉपिक्स पॉलिनोमियल पार्ट नंबर फर्स्ट। पॉलिनोमियल, अब ये पॉलिनोमियल आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको एक बार फिर अपन रिमाइंड कर रहे हैं। ए पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, 4x² प्लस 2x + 1। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी वेरिएबल आपका पॉलिनोमियल में होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी होगा, उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी वो पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। इन अबव एग्जांपल, द हाईएस्ट पावर इज 2, देयरफॉर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की कितनी टाइप्स होती है? ये 2 टाइप्स होती है। पहली होती है अकॉर्डिंग टू टर्म, और सेकेंड होती है अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से नंबर फर्स्ट आता है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 0 होती है उसको बोला जाता है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 7। सेकेंड, लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x + 5, यहाँ पे x जो वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर 1 है। नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x² + 2x + 3। लास्ट वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x³ + 1, हियर द वेरिएबल एक्स हैज हाईएस्ट पावर इज 3, सो इट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल होता है उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो आंसर आता है उसको बोला जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ए रियल नंबर के इज सेड टू बी ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ के इफ पी ऑफ के इक्वल टू 0, वेयर के इज द वैल्यू ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 10। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए पी ऑफ एक्स को हमेशा 0 पुट करते हैं। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 5x + 10, दैट इज इक्वल टू 5x = -10 एंड x = -10/5 और x = -2। यहाँ पे x की वैल्यू जो -2 आई है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसके जो जीरोज आते हैं उसका क्या रिलेशनशिप है पॉलिनोमियल से? अब रिलेशनशिप के लिए अपन मान लेते हैं अल्फा और बीटा दो जीरो हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c के। तो x² का कोफिशियंट यहाँ देखेंगे तो a आएगा, x का कोफिशियंट b एंड c इज द कॉन्स्टेंट टर्म। देयरफॉर द रिलेशन सिप बिटवीन जीरोज अल्फा एंड बीटा एंड कोफिशेंट ऑफ पॉलिनोमियल आर, फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा आर सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a इक्वल टू माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ x² जो b जो है वो x का कोफिशेंट है और a जो है वो x² का कोफिशेंट है। सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c/a वेयर c इज कॉन्स्टेंट टर्म एंड a इज कोफिशियंट ऑफ x². जो अपन ने अभी समझा उसको एग्जाम्पल के थ्रू
सॉल्व करके देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व एंड सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट. तो सबसे पहले कंपेयर करा जाता है जो भी क्वेश्चन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. हियर ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू सेवन एंड सी इक्वल टू ट्वेल्व. अब आप लोगों ने सेवन्थ एट्थ नाइन्थ में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पढ़ रखी है, उसी मेथड से जो पॉलीनोमियल है उसको सॉल्व करा जाता है. तो उसको सॉल्व करने के लिए ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 12 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आने पे 12 आया. अब इस 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई पे 12 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर बी की वैल्यू आ जाए. तो यहाँ पे 3 इंटू 4 12 आ गया और 3 प्लस 4 करने पे 7 यानी बी की वैल्यू आ गई. अब जो पॉलीनोमियल था उसको एक्सपांड करके लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 12 डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12. फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लेने पे x प्लस 3, सेकेंड टू टर्म में से 4 कॉमन लेने पे x प्लस 3. नाउ x प्लस 3 टेकिंग कॉमन दैट इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4. हियर x प्लस 3 को अपन ने पुट करा 0, तो x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस 3. सिमिलरली x प्लस 4 इक्वल टू 0, देयर फोर x इज इक्वल टू माइनस 4. ये दो जो वैल्यू आई है x की, किसी एक को मानना अल्फा तो अल्फा अपन ने माना माइनस 3 और बीटा मान लिया अपन ने माइनस 4. ये इस पॉलीनोमियल के जीरोज हैं. अब आता है वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन करने के लिए अभी अपन ने दो फार्मूले पढ़े हैं, उनसे इन दोनों का करना है वेरिफिकेशन. नंबर फर्स्ट फार्मूला, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए. यहाँ अल्फा बीटा बी और ए की वैल्यू पुट करने पे अपन पाएंगे एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ रहे हैं. सिमिलरली सेकेंड वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए. चारों की वैल्यू पुट करने पे LHS और RHS अपने पास आते हैं इक्वल. तो ये जो वेरिफिकेशन अपना प्रूव हुआ, इससे अपना क्वेश्चन सॉल्व हुआ, हैंस प्रूव्ड. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट. कंपेयर करेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सी से. देन वी गेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 2 एंड सी इक्वल टू माइनस 8. Now by splitting middle term method, a into c equal to 1 into 8, that is equal to 8. Now factor of 8 equal to 4 into 2, so we get 4 minus 2 equal to 2. So next term जो आई अपनी x square minus 4x plus 2x minus 8. First two term में से x common लेने पे अपने पास बचा x minus 4. Next two term में से 2 common लेने पे बचा x माइनस 4. अब x माइनस 4 कॉमन लेने पे बचा x प्लस 2. x प्लस 2 इक्वल टू अपन ने पुट किया 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2. सिमिलरली x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4. एक वैल्यू को अल्फा माना और दूसरी वैल्यू को बीटा. ये दो जो वैल्यू आई है ये दोनों 0 हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के. अब वेरिफिकेशन, फर्स्ट वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए. चारों की वैल्यू पुट करने पे एल एच एस आर एच आर एच एस अपने पास इक्वल आएंगे. सिमिलरली सेकेंड जो वेरिफिकेशन था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए. वैल्यू पुट करने पे अपने पास एल एच एस आर एच एस दोनों इक्वल आ गए. ये अपना वेरिफिकेशन प्रूव हुआ. अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, इनको सॉल्व करिए. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. थैंक यू.